तो बर्खास्तगी की जाएगी। 3 दिनों के अंदर काम पर वापस लौटने की चेतावनी दी गई है। एस्मा लगा है, उसके बावजूद संविदा कर्मी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो बता दें कि 3 दिनों के अंदर वो काम पर लौटे, ऐसी चेतावनी उनको दी गई है। एस्मा उन पर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी संविदा कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बता दें कि 22 दिन बीत चुके हैं और 22 दिनों से लगातार इनका प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए, अब सख्त हुई है सरकार और साफ साफ कह दिया कि 3 दिनों में काम पर वो लौटे नहीं तो बर्खास्तगी की जाएगी। तो सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। बता दें, नियमितीकरण की मांग को लेकर वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। चलो, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। गौरव, देखिए 22 दिन बीत चुके हैं, लगातार जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए सख्त हिदायत दे दी गई है कि 3 दिन में लौटे। क्या कुछ जो संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 3 जुलाई से जो छत्तीसगढ़ विभागीय संविदा कर्मी महासंघ के बैनर तले जो है अलग अलग विभाग के जो संविदा कर्मी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, और उसके 3 जुलाई के कुछ दिन बाद ही इन्हें एस्मा लगा दिया गया था और काम पर लौटने को कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी मांगों को लेकर जो है हड़ताल पर थे और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया था। विधानसभा घेराव, मंत्रालय, मुख्यमंत्री निवास घेराव के साथ साथ अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया था, और उनकी साफ तौर पर कहना है कि जब तक नियमितीकरण नहीं मिल जाता तब तक वो अपने अनिश्चितकालीन हड़ताल से हटने वाले नहीं है। चाहे उन्हें जो करना है, शासन को जो करना है वो कर ले, बर्खास्तगी की कार्रवाई कर ले। एक तरफ ये भी है कि इन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंपा था, एक दिन ये भी था कि जब इन्होंने सार्वजनिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा था और कहा था कि हम अब काम करने के लिए नहीं है तैयार, लेकिन आज शासन सख्त हुई है और बाकायदा एक आदेश जारी हुआ है और जिसमें कहा गया है कि 3 दिन में ये अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से गौरव आदेश जारी कर दिया गया है कि 3 दिन में काम पर लौटे नहीं तो बर्खास्तगी की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि संविदा कर्मी इस आदेश के बाद क्या कुछ फैसला लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी के लिए।